वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। आज मैं अपनी मम्मा के रूम से शूट कर रही हूँ और आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रिया अपनी मम्मा के घर का हाउस टूर कराओ, किचन टूर कराओ, तो बहुत जल्दी मैं वो वीडियो शूट करूंगी। सबसे पहले तो ना आपको मम्मा की किचन दिखाऊंगी, किस तरीके से उन्होंने इतना मतलब सामान रखा हुआ है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है ना मम्मा ने अपना किचन, वो डेफिनेटली शेयर करूंगी। उसके बाद फिर घर का टूर आप लोगों को कराऊंगी। आज ना मैंने अमेजोन से कुछ सामान ऑर्डर किया था एक दो दिन पहले, अभी डिलीवर हुआ, सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो यार एक ना छोटा ट्राईपॉड मुझे चाहिए था। मैं अपना ट्राईपॉड लेके आई थी यूएस से, बट वो मैं रक्षाबंधन पे अपनी ननद के घर गई थी ना, वहां रह गया गलती से। अगर आप इंडिया में हो और अपना चैनल वगैरह स्टार्ट कर रहे हो यूट्यूब का, या फिर इंस्टाग्राम रील्स के लिए आप वीडियोस वगैरह बनाते हो, आपको रिंग लाइट चाहिए, ट्राईपॉड चाहिए, या ऐसा छोटा मिनी ट्राईपॉड चाहिए ना, तो आप डिजिटेक का ट्राईपॉड रिंग लाइट लेना, बहुत अमेजिंग क्वालिटी और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ आने के बाद रिंग लाइट ली है डिजिटेक की, ट्राईपॉड लिया है बड़ा वाला जिसपे अभी मेरा कैमरा है, और अब मैंने ये छोटा वाला भी डिजिटेक का ही मंगवाया है। मैं आपको दिखाती हूँ, आई थिंक ये 350 रुपीज का था, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है छोटा वाला ट्राईपॉड तो, और बड़ा वाला ट्राईपॉड 1500 रुपीज का था, और रिंग लाइट भी कुछ इसी प्राइस की पड़ी थी मुझे 1500 की। ये देखो ये छोटा सा ट्राईपॉड है, तो आराम से आप हाथ में पकड़ सकते हो, और इसकी ना ऐसे लेग्स को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो हाइट इंक्रीज करने के लिए, और ये एंटी स्लिप यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो आपका जो भी गियर इस पे आप रेस्ट करोगे वो स्लिप नहीं करेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी आप किसी गियर में इन्वेस्ट करो ना तो अच्छा लो, क्योंकि फिर यार यही होता है कि आप महंगा महंगा फोन या कैमरा इसके ऊपर रखोगे, अगर ट्राईपॉड अच्छा नहीं होगा, कुछ गिर गया, तो काफी ज्यादा आप सफर कर सकते हो। आज इतना बड़ा ब्लंडर हुआ मेरे साथ कि मैंने शायद और प्रोडक्ट्स दिखाते वक्त कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की, और मैं बोलती रही सारी वीडियोज मैंने जब कलेक्ट कर रही थी लैपटॉप में, तब मैंने देखा ओ माय गॉड मेरे कुछ क्लिप्स तो मिस हो गए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको पक्का दिखाऊंगी मैंने और क्या क्या अमेज़न से मंगवाया है। फिलहाल हमारे घर पे कोई गेस्ट आने वाले हैं, आज मैंने सोचा उनके लिए कुछ अपने हाथ से कुकिंग करती हूँ, तो मैंने प्याज टमाटर सब कट कर लिया है। यहाँ कढ़ाई में मैंने लिया है घी, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू, जिंजर और हरी मिर्च को अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगी। आज एक रिच ग्रेवी वाली मैं कोफ्ता करी बना रही हूँ, इसकी रेसिपी मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट आज मैं मम्मा की किचन में बना रही हूँ तो सोचा आप लोगों के साथ फिर से शेयर करती हूँ। प्याज को थोड़ा बड़ा भी काट सकते हो आप, बस रफली चॉप करके आप अच्छे से पहले भून लीजिए, और जब प्याज भून जाएगा उसके बाद आप इसमें टमाटर ऐड कर दीजिए। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और 5 करीब टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के। अब साथ में ही मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, यहाँ का धनिया पाउडर बहुत अच्छा है, बहुत ही फ्लेवरफुल है, मम्मा घर में बनाती हैं। ये मैंने शाही पनीर मसाला ऐड किया, और बस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी डाल दिया थोड़ा, इसे कवर करके अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक कि सारी चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से सॉगी टाइप की ना हो जाए। अच्छा यहाँ पे काम करने में किचन में और भी ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि स्टार्ट टू एंड सारा काम खुद नहीं करना पड़ता, यहाँ पे हाउस हेल्प है, मम्मी भाभी हैं, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो ये जो घिया है वो मम्मी ने ग्रेट करके रख दी थी, बस इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया, इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी, जो इसका एक्सेस पानी होगा ना वो निकल जाएगा, उसके बाद हाथ से अच्छे से इसको स्क्वीज कर दूंगी। अच्छा ये जो लौकी का पानी निकल रहा है ना, ये आप थ्रो बिल्कुल भी मत करना, आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि लौकी का लोग जूस पीते हैं, तो आप इसको एज इट इज कंज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज आप इस पानी को ना सब्जी में ही डाल देना, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब जो ये लौकी बच गई है इसमें हम थोड़े मसाले मिला लेंगे, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, और उसके बाद हम इसके अंदर बेसन मिक्स करेंगे। अच्छा बहुत ज़्यादा बेसन मिक्स नहीं करना, अदरवाइज ना बहुत थिक लेयर बेसन की आ जाएगी कोफ्तों पे और फिर वो बहुत अच्छे नहीं लगते खाने में। इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा भी ऐड किया है, थोड़ा बेसन, करीब मैंने 4 से 5 चम्मच बेसन ऐड किया है, और अच्छे से इसको हाथ से ऐसे मिक्स कर लूँगी। बस आपको ऐसा करना है कि आप इसे अपन पैन में, मैं कोफ्ते बनाती हूँ तो बस अपन पैन का ये शेप ले लें। थोड़े से घी में मैंने ये सारे पकौड़े बना के रेडी कर लिए थे, कोई डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, ये सब्ज़ी हेल्दी भी बन जाती है और टेस्टी भी बहुत लगती है खाने में। अच्छा हमने बेसन कम डाला है ना, तो इसमें लौकी का बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, और सच्ची में कोई बता ही नहीं पाएगा कि लौकी के कोफ्ते हैं ये। तो यहाँ पे अपन पैन में मैंने अच्छे से डाल के सारे कोफ्ते सेक लिए, इतने में जो हमने प्याज टमाटर का मिक्सचर
मिक्सचर बनाया था उसको ब्लेंड करके हमारी हाउस हेल्प ने दे दिया। और यहाँ पे कढ़ाई में फिर से मैंने घी लिया, थोड़ा सा उसके अंदर प्याज चॉप करके भूना, और अब इसके अंदर वो प्याज टमाटर वाली ग्रेवी ऐड कर दी, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, सॉरी पानी ऐड कर दिया था कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। और हाँ, फ्रेश क्रीम ऐड की मैंने, जो मलाई होती है ना दूध की, वो ऊपर से थोड़ा सा चीनी ऐड किया बैलेंस आउट करने के लिए फ्लेवर्स को। कसूरी मेथी, गरम मसाला, और हाँ कोफ्ता आप ना साथ ही साथ ऐड कर दो, जिससे कि कोफ्ते भी थोड़ी सी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएं और कोफ्ते भी ग्रेवी को थोड़ा सोख लेते हैं, उससे ना फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है सब्जी का। बस आप इसको अब स्टैंडिंग टाइम दीजिए 5 मिनट का और आपकी कोफ्ता करी रेडी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम अंशुल की जर्नी देखते हैं फ्रॉम शिकागो टू वियतनाम। आई होप आप एंजॉय करोगे ये पूरी जर्नी। हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली इट्स अ बिग डे। आप लोग ने वीडियोस में ऑलरेडी देखा होगा कि प्रिया और बच्चे इंडिया में हैं। फाइनली वो डे आ गया है जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं यूएस से हैनोई जा रहा हूँ। मैंने कतर एयरलाइंस ली है, शिकागो से दोहा और दोहा से हैनोई। अभी मेरा लेओवर चल रहा है, मैं अभी दोहा में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बच्चों से, प्रिया से मिलने के लिए। हैनोई से तो इंडिया बहुत पास है, तो मैं बार बार जा सकता हूँ उनसे मिलने के लिए, अपने पापा मम्मी से मिल सकता हूँ, सबके साथ, पूरी फैमिली के साथ मिल सकता हूँ। बहुत टाइम हो गया जब मैंने बहुत सारे फेस्टिवल्स अपनी फैमिली के साथ नहीं मनाए, बहुत सारा टाइम स्पेंड नहीं किया अच्छे से। लास्ट ईयर जब मम्मी पापा एकदम से बीमार पड़ गए थे, तो मैं नवंबर में उनके पास गया था। बट इतनी दूर से केवल बहुत ही क्रूशियल मौक़ों पर ही आप जा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि अगले कुछ महीनों के लिए मैं उनके पास हूँ, तो मैं बार बार इंडिया ट्रैवल कर सकता हूँ, इंडिया में सबसे मिल सकता हूँ, फूड एंजॉय कर सकता हूँ, इंडिया घूम सकता हूँ, जो कि मैंने बहुत टाइम से नहीं घूमा है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और इसके साथ साथ जो काम है वो तो है ही, और एक नया कंट्री एक्सप्लोर करने को मिलेगा, नया कल्चर एक्सप्लोर करने को मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है ओवरऑल। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ ब्लॉग्स बनाने में, प्रिया एक्सपर्ट है ऑब्वियसली, लेकिन मेरा भी छोटा सा ट्रायल है, देखता हूँ ये ब्लॉग कैसा बनता है, शेयर करते हैं आपके साथ। ये रहा कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं अभी दोहा पहुंच गया हूं, और अभी मेरी यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है हैनोई की, अभी 2 घंटे में। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस कतर एयरवेज़ के साथ कैसा गया। मैं फ़र्स्ट टाइम कतर एयरवेज़ के साथ ट्रैवल कर रहा था, तो चेक इन के टाइम पर इन्होंने सिर्फ एक प्रॉब्लम क्रिएट करी मुझसे, कहते हैं कि जो हैंड बैगेज है इंक्लूडिंग लैपटॉप या पर्सनल आइटम सब मिला के 7 kg से ऊपर नहीं हो सकता, और केवल एक ही बैग अलाउड है, तो आपको अपना लैपटॉप बैग भी जो आपका हैंड बैगेज उसके अंदर रखना पड़ेगा। तो वहाँ पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि ऑब्वियसली लैपटॉप थोड़ा सा हैवी हो जाता है विद चार्जर, तो मैं अपने लिए कुछ रास्ते के कुछ पराठे बना के लाया था और कुछ चाय के पैकेट्स लाया था, रेडीमेड चाय जो नेस्ले की चाय आती है गर्म पानी में डाल के पीने के लिए, सुबह की चाय बहुत ज़रूरी होती है, वो दोनों मुझे फेंकने पड़ गए वहाँ पर। मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी एयरलाइंस ने मुझे पर्सनल आइटम में को लैपटॉप इंक्लूड करके उसका वेट 7 kg बताया गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसके अलावा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया, लेग रूम भी बहुत अच्छा था, फ्लाइट काफ़ी अच्छी गई, टाइम पर आ गए हम लोग यहाँ पर। और हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैंने आपको भी कुछ वीडियोस दिखाई हैं, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। मैं नीचे खड़ा हूँ और मेरे ठीक ऊपर से ट्रेन जा रही है यहाँ पर, ये ऊपर ट्रेन का है, तो एयरपोर्ट के अंदर ही काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट है। अभी यहाँ पर गेट पर भी सिक्योरिटी चेक इन होना है सामान का, तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ से मेरी करीब 7.5 घंटे की फ़्लाइट है हैनोई की, और मैं फिर आपको हैनोई जाके बताता हूँ कि मेरी आई की फ़्लाइट कैसी रही। मैं यहाँ पर बोर्डिंग गेट पर आ चुका हूँ, अभी यहाँ पर एंट्री ओपन नहीं करी इन्होंने गेट की हैनोई की फ़्लाइट के लिए। ट्रैवल एसेंशियल में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबके शेयर करना चाहता हूँ, मेरे को प्रेशर डिफरेंस से ना कानों में पेन होता है, जब स्पेशली जब एयरप्लेन नीचे आता है। तो मैंने शुरुआत में ईयर प्लग यूज़ करता था, च्युइंगम चबाई, ओटरबिन नाक में डाल के देखी, सबके अलग अलग इम्पैक्ट रहे, लेकिन किसी से मुझे कम्प्लीट रिलीफ नहीं मिला।
फिर मुझे डॉक्टर से सजेस्ट किया ये मशीन, इसको बोलते हैं यूस्टाशियन मशीन, ये बेसिकली हवा ब्लो करती है, आपको नाक बंद करके हवा लेनी है और गल्प करना है, आपके कान पॉपअप हो जाते हैं। अभी मैं ऑलरेडी लेओवर में हूँ, मैं फ़्लाइट से उतर के आया हूँ, जब मैं इसको यूज़ नहीं करता था नो मैटर मैं च्युइंगम चबाऊँ या ईयर प्लग लगाऊँ, मेरे को अपने कान से हियरिंग कुछ घंटे के लिए कम्प्लीटली बंद हो जाती थी। इस वक्त मैं बहुत ही नॉर्मल हूँ, कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप में से कभी किसी को अगर एयर प्रेशर की वजह से कानों में दर्द होता है या कुछ होता है, यूस्टाशियन मशीन, ये देखिए यूस्टाशियन मशीन, आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। बहुत जर्नी गई, पता ही नहीं चला पूरे टाइम, ले ओवर ही बहुत छोटा था, काफ़ी थक गया हूँ ऑब्वियसली। 5 मिनट में आ रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी है, दिख रहा है सड़क पे काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक है, और मौसम यहाँ पे करीब 25 डिग्री है, पूरा क्लाउडी है, बारिश हो रही थी जब मैंने लैंड किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आई वुड से आप लोगों का सपोर्ट इतना ज़्यादा है मेरी फैमिली के साथ कि हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं टू क्रिएट मोर एंड मोर यूजफुल कॉन्टेंट टू बी शेयर्ड विद आर कम्युनिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो आपके लाइक्स एंड कॉमेंट्स मुझे ज़रूर बता देंगे, तो कॉमेंट सेक्शन का तो मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। और लास्ट में ना बस एक बात यही कहना चाहूँगी कि टाइम कैसा भी हो, अच्छा या फिर थोड़ा डिफिकल्ट, टाइम किसी के लिए भी रुकता नहीं है, टाइम चलता चला जाता है। अच्छा टाइम भी चला जाता है, अच्छे टाइम के बाद थोड़ा डिफिकल्ट टाइम आता है, बट डिफिकल्ट टाइम के बाद भी अच्छा टाइम आता है। सो जस्ट लिव इन योर प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि जब ये मोमेंट निकल जाएगा ना तब आपको लगेगा अरे यार वो टाइम कितना अच्छा था। चलो फिर से मुलाकात करते हैं एक और नए वीडियो में, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय, लव यू।